सिलाई सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द। सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा, आज मैं आपको बताऊंगी कि पैंट की वेस्ट को हम कम और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमारे पास ये पैंट है, इसमें हम सबसे पहले इसका नाप लेंगे कि ये वेस्ट जो है हमारी इसमें कितनी है और हमें कितनी चाहिए। देखिए नापने का तरीका क्या होगा, जो ये वाली देखिए, यहाँ से हमारी वेस्ट जो है यहाँ से नापी जाती है। तो ये देखिए हमारा पहला हुक जो है ये इस साइड में है, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे, ये देखिए, और यहाँ पे हमारी ये फिटिंग है ये यहाँ पर। तो ये 36 इंच जो है यहाँ पर हमारी ये पूरी टोटल है। तो हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए 34.5 इंच हमारे को चाहिए, जिसमें हमारे माइनस करना है 1.5 इंच, माइनस कर लेंगे हम इसमें, और इतनी हमारे को ये वेस्ट चाहिए। अब सबसे पहले जो है ये देखिए, यहाँ से हम ये देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये स्टिच जो है हम रिमूव कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया है, आपने इस तरीके से यहाँ से और यहाँ तक आपने देखिए, ये हमारा कपड़ा ऐसे था, ये ऐसे था, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसे हमने रिमूव करना है। अब इसको हम इस तरीके से खोल लेंगे, ये देखिए ये हमारा यहाँ से पूरा खुल जाएगा, और ये देखिए यहाँ से ये बेल्ट के यहाँ से पूरा खुल गया। अब हमने जो है 1.5 इंच इसमें कम करना है, तो इसमें हम उसका हाफ कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से हम इसको ऐसे करेंगे, और ये देखिए तो हमारे को पौना एक इंच जो है यहाँ पर हमारे को इतना चाहिए इसका हाफ करने के बाद, ये देखिए इतना हमारे को चाहिए। ऐसे ही हम यहाँ पर भी निशान लगा देंगे ये इस तरीके से, और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे हम। देखिए जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है यहाँ पर मैंने एक पिन लगाई है, पिन लगाने के बाद इसको हम इसी तरीके से ऐसे इसको ऐसे कर देंगे, ये देखिए यहाँ से हमारा ये स्टिच हो गया। अब हम इसको एक बार फिर से इसको हम मेज़र कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर लेकर आएंगे, और इसको यहाँ पर लाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया था, ये देखिए यहाँ से और यहाँ पर हमारे को कितना चाहिए, 34.5 चाहिए, तो हमारा ये बिल्कुल ठीक है। तो अब जो है अब हम इस पर सिलाई लगा सकते हैं, इसको हम फिर से ऐसे ही खोलेंगे, ये ऐसे करेंगे, और ये देखिए यहाँ से हम ऐसे लेंगे, और ऊपर से भी हमने इतना ही लेना है, ये देखिए यहाँ से पौना इंच हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे। इस वाली सिलाई से लेते हुए हम इसको ऐसे रखेंगे। अब देखिए जो भी हमारी ये शेप है, देखिए ये शेप जो है हमारी ऐसे है, ये यहाँ पर हमारी ये शेप है, तो इतना ही हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से लाते हुए ऊपर से इतना ही लाते हुए, और धीरे धीरे हम यहाँ से इसको कम करते जाएंगे। ये देखिए ऊपर से लेकर आए और धीरे धीरे यहाँ पर हम कम करेंगे, और अपनी इसी सिलाई के साथ ही हम इस पर ये देखिए इसको हम यहाँ पर मिला देंगे, ऊपर से लाते हुए धीरे धीरे कम करेंगे, और इस वाली सिलाई पर ये देखिए इस तरीके से हमने निशान लगाना, ऊपर से जितना हमें चाहिए उतना लेंगे और धीरे धीरे कम करते हुए जो हमारी मेन सिलाई है उसके साथ हमने इसको अटैच कर देना यहाँ पर सिलाई को, और इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे हम कंप्लीट करें। अब हम इसे स्टिच करेंगे, यहाँ से हमने दोनों को इक्वल रखना है, और इसे मशीन पर ऐसे रख सेट करेंगे, ये देखिए ऐसे। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसे हम डबल करेंगे, ये देखिए ऐसे, फिर वापस ऐसे ही, और इसको नीचे से हम खोलते जाएंगे, पिन को हम हटा देंगे, नीचे से कपड़ा ना दबे इसका ध्यान रखना है, और देखिए अब धीरे धीरे लाते हो इसी सिलाई पर इसको, और यहाँ से हम फिर इसको बैक कर देंगे ऐसे।
डबल सिलाई लगानी है। अब उसी पर ही सिलाई लगानी है। अब जो हमने सिलाई जो लगाई है इसको फिटिंग देने के लिए, यहाँ पर हमारा कपड़ा ज़्यादा होता है तो इसलिए इसके यहाँ पर जो है आपने सिलाई को ध्यान से लगाना, हमारी निडल जो है वो टूटे नहीं। ये देखिए इसे हमने यहाँ से स्टिच कर लिया है। अब हमारे एक्स्ट्रा कपड़े को हम इसमें कट कर लेंगे, तो इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना इतना आधा आधा इंच के करीब हम अपने कपड़े को इतना हम कट कर लेंगे। और ये वाली जो सिलाई है इसको भी हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी हमने इसको रिमूव कर दिया है। ये देखिए हमारी फाइनल स्टिच जो है ये वाला है। एक्स्ट्रा कोई धागा हो तो आप उसे कट कर दें। अब देखिए इस वाले कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे अंदर, अब इसके ऊपर से और इसको ऐसे अंदर की साइड में कर देंगे जैसे, और इन दोनों सिलाइयों को हम एक इस साइड जाएगी और एक ये इस साइड आएगी। ये देखिए ऐसे इस तरीके से, और ऐसे करेंगे सीधा इसको। तो ये देखिए हमारी वेस्ट जो है ये यहाँ पर कम हो गई है। आप ऐसे ही इसको बढ़ा भी सकते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर कम किया ऐसे ही आप इसको खोलेंगे और अपनी स्टिचिंग को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी वेस्ट जितना चाहते हैं आप उसमें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब ये देखिए इस वाली सिलाई को, ये जो हमारी बीच वाली सिलाई जो है इस पर हमने प्रेस करनी है तभी हम इसको यहाँ से सिलेंगे। सबसे पहले हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे, ये हमारी सिलाई जो है ये वाली सिलाई जो है इसको हम यहाँ से प्रेस करेंगे ताकि हमारी स्टिचिंग जो है यहाँ से खुल जाए और बैक साइड से जो है फिनिशिंग आ जाए। ये देखिए इसको दबाकर इसको हम आयरन कर लेंगे। ये देखिए अब हमने जैसे स्टिच यहाँ से रिमूव किया था सेम ऐसे ही यहाँ पर रखते हुए इसको हम सिलाई करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर सेम धागे से आपने सिलाई करनी है और इसके साथ साथ जो है सिलाई कर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो हमने कपड़ा कट किया है इसे यहाँ से धागे फिनिश कर और यहाँ पर जो है हम इंटरलॉक से इसको फिनिश कर इसे रेडी कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसे स्टिच करेंगे। नीचे से हमने इसको फोल्ड कर दिया है और इसको हम ऐसे ही रखेंगे जैसे हमने, ये देखिए इसके साथ साथ बेल्ट के साथ साथ हम इसको यहाँ पर सिलेंगे। और यहाँ से हम इसको बैक स्टिच करेंगे ऐसे। अब ये हमारी जो है क्लिप जो है इसकी, इसको हम इससे आगे ले जाएंगे। यहाँ से भी हम इसको डबल करेंगे। यहाँ से डबल करेंगे फिर इसको ऊपर करेंगे थोड़ा और इसके आगे लेकर जाएंगे। अब हम इसे निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स इंटरलॉक कर इसे हमने यहाँ से फिनिश कर दिया है। और ये देखिए ये बेल्ट के राइट साइड में, ये देखिए इस तरीके से आप इसको स्टिच कर सकते हैं। पैंट की बेल्ट को आप कम या ज़्यादा आप इसमें कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने कम किया आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं, जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी पैंट वेस्ट के अकॉर्डिंग ये फिट हो गई है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।